दोस्तों, इस डिजिटल दुनिया में फेसबुक का इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं, और इसी दौरान आपका फेसबुक अकाउंट कितना सिक्योर है, आपका डाटा कितना प्राइवेसी में है, ये बात सामने आता है। प्राइवेसी की बात करें तो दोस्तों, अगर आपका प्राइवेसी ब्रेक होता है तो क्या होगा? आपका फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करके फ्रेंड्स के पास से पैसा उधार लिया जाता है, ये घटना जो ज़्यादातर फेसबुक में बहुत ही हो रहे हैं, घटना घट रहे हैं। आपका अकाउंट से गलत पोस्ट हो सकता है, आपका जो सीक्रेट चैट हिस्ट्री है वो दूसरे पर्सन रीड कर सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स से बचने के लिए आप मेरे वीडियो के एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। मैं हूं सद्दाम और आप देख रहे हैं क्विक सॉल्यूशन। सिक्योर की बात करें तो आपका फेसबुक अकाउंट किन किन डिवाइसों में लॉगिन है ये आप जान सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ मिनटों के लिए आपका फेसबुक अकाउंट आपके फ्रेंड्स के डिवाइस में लॉगिन करे हैं और गलती से आप उसको लॉग आउट करना भूल गए, तो ये आप बाद में आपके डिवाइस से आपका फेसबुक अकाउंट किन किन डिवाइसों में लॉगिन है ये आप जान सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट किन किन डिवाइसों में लॉगिन है, कहां कहां पे लॉगिन है, ये जानने के लिए आपको फेसबुक में इस तरह लॉगिन होके आने के बाद ये जो थ्री डॉट ऑप्शन देख रहे हैं राइट साइड में, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह देखने को मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके सेटिंग्स एंड प्राइवेसी यहाँ पे क्लिक करना है और ये देख सकते हैं सेटिंग्स, इसमें फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, ये देखिए योर इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे देखिए एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपको फिर से नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक है व्हेयर यू आर लॉग्ड इन और एक है ऑथराइज्ड लॉगिन, लॉगिन एंड लॉग आउट्स। तो पहले को हम जानते हैं, पहला जो है व्हेयर यू आर लॉग्ड इन, इसका मतलब है आपका फेसबुक अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, किन किन डिवाइसों में लॉगिन है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, कौन सी तारीख को हुआ था और टाइम में हुआ था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक ही तारीख को मैंने हमारे फेसबुक अकाउंट को दो जगह लॉगिन किया था, एक स्मार्टफोन में और एक पीसी में। और इसका टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है कितने तारीख को मैंने किया था और आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपका फेसबुक अकाउंट सिर्फ आपका डिवाइस में ही रहे, आपका जो विंडोज पीसी है इसमें से लॉग आउट हो जाए, तो आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नीचे देखिए रेड कलर में लॉग आउट बटन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका फेसबुक अकाउंट पीसी से, आप जो विंडोज़ है विंडोज़ पीसी से लॉग आउट हो जाएगा। तो ये करने का दो तरीका होता है, एक एक करके आप नहीं करेंगे तो आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फिर से ऊपर जाना है। ऊपर आने के बाद ये देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये देखिए व्हेयर यू आर लॉग्ड इन सी ऑल, यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कब कहाँ कौन सी डिवाइस में किया था और डिटेल्स आपको यहाँ पे सब शो हो जाएगा। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन, इसका मतलब है आपका फेसबुक अकाउंट जहाँ पे आपका लॉगिन होगा अगर आप लॉग आउट कर देते हैं तो सब लॉग आउट हो जाएगा। तो आप इस तरह आपके फेसबुक अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है ये आप जान सकते हैं, उसका लॉग आउट भी कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है, ऑप्शन है, वो है आपका अकाउंट सिक्योर कैसे बनाएंगे। आपका फेसबुक अकाउंट हाईली सिक्योर बनाने के लिए आपको फिर से इस थ्री डॉट ऑप्शन में क्लिक करके आपको नीचे आना है। आने के बाद आपको फिर से सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है और ये जो सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसके नीचे देखिए यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आपको क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, एक है ऑथेंटिकेशन ऐप, टेक्स्ट मैसेज
दो नंबर पे है और तीन नंबर पे है सिक्योरिटी की। तो पहले हम ऑथेंटिकेशन ऐप को जानते हैं। ये जो ऑथेंटिकेशन ऐप होता है ये क्या होता है, मान लीजिए आप आपका फेसबुक अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं, उस दौरान आपका मेन डिवाइस में एक पॉपअप शो होगा, आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं? अगर आप करते हैं तो येस में क्लिक करें, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करें। और सेकंड में जो ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे जो होगा वही है सेम प्रोसेस। अगर आप फेसबुक अकाउंट दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो उसी दौरान आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी के दौरान आप अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और तीन नंबर में जो है सिक्योरिटी की, ये जो सिक्योरिटी की होता है, अगर आप इस थर्ड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप जो सिक्योरिटी की सेट करेंगे वही सिक्योरिटी की आप जब दूसरे डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो वो सिक्योरिटी की आपको यहाँ वहाँ पे देना है, तब जाके लॉगिन होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।